जीरो घाटी मछली पालन के लिए भी मशहूर है। यहाँ का तारिन फिश फार्म पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक मदद और तकनीक का प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक सुविधाएं मछली पालकों को उपलब्ध करा रही है। लाभार्थियों को अनुदानित दरों पर पोर्टेबल हेचरी दिए जा रहे हैं, जिससे सघन मछली के बीज का उत्पादन किया जा सके। भीमताल उत्तराखंड से ट्रेनिंग दिलाने के लिए हम लोग को मछली का आया था, तो उधर में हम लोग ट्रेनिंग किया 2016 को, तो वहाँ में ट्रेनिंग करने के बाद में उन लोग को हम लोग बोला कि पोर्टेबल हेचरी आजकल ये में इंडिया में ये निकल गया, वो आप लोग ऐसे होने से उससे आप लोग थोड़ा अच्छा से कर सकेगा औरत लोग, तो इसलिए पोर्टेबल हेचरी हम लोग एक तो प्रोवाइड करेगा, तो उससे आप लोग कुछ इनकम बढ़ा लीजिए ऐसे बोला है। तो वहाँ से वो लोग ये हेचरी दिया है, तो देने के बाद यहाँ में वो लोग यहाँ की इंस्टॉल कर दिया है। गमको मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की 32 महिलाओं को पैडी कंपोस्ट कल्चर स्कीम के तहत कुल 80 लाख का ऋण मिला है। उसमें हम लोग सिर्फ मछली का नहीं करता है, कपड़ा का भी करता है और क्या क्या मतलब बगान का भी, ये सब मिलजुल के करता है। मछली का तो ये मतलब हेचरी उसमें दिया है और कपड़ी दुकान भी है हम लोग का, कपड़ा का ना दुकान भी है, तो उसमें 2012 को हम लोग का रजिस्टर हो गया कोऑपरेटिव का ना, तो उसमें महिला तो 400-500 ऐसे है जो जो क्या करना चाहता है वो लोग करता है, जो कपड़ा बुनता है वो बुनता है। पेडिकम्पिस कल्चर के लिए ये 29 लेग्स मतलब पूरा के लिए 32 पमस्ता तो पूरा के लिए तो ये 18 लेग्स पूरा को ये अप्रूव कर दिया। जीरो वैली के हरिगांव निवासी ज्ञाति रेन्यू बताती हैं कि वो जलीय कृषि सह मछली पालन बहुत पहले से किया करती थी, लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग के दौरान आधे से ज्यादा मछलियां मर जाती थी। मछली के बीज भी असम से मंगाने पड़ते थे, लेकिन हेचरी मिलने से लाभ मिलेगा। ये हेचरी शुरू करने से और हेचिंग करने से हम लोग को और ज़्यादा फायदा होगा, अभी वही हम लोग आशा करके गवर्नमेंट को भी बहुत ग्रेटफुल है हम लोग का बोला हुआ मान के। ये स्टेट गवर्नमेंट से तो हम लोग को कुछ फाइनेंस नहीं किया है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दिया है हम लोग को। और 32 मेंबर्स आया था उस समय में ना, उसको पूरा पेडिकम्पिस कल्चर के लिए हम लोग को अप्रूव कर दिया है।